अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टू वे स्विच वायरिंग किस तरीके से की जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टू वे स्विच के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि टू वे स्विच क्या होता है, इसमें कैसे कैसे पॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ आपने कौन सी वायर को अटैच करना है। तो अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि टू वे स्विच क्या है। ठीक है, अगर टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, तीन पॉइंट्स होते हैं, L1 कॉम और L2। ठीक है, जहाँ कॉमन होती है, जहाँ पे हमने एक वायर लगानी होती है बल्ब या किसी और चीज़ की, जो कॉमन वायर होती है जहाँ से वो करंट गुजरता है। ठीक है, दोनों टर्मिनल को जहाँ से करंट जाता है, L1 को L2 को। ठीक है, ये टू वे बटन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी की काम ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, किसी के दरमियान में होती है। ज़्यादातर की दरमियान में ही पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से करंट दोनों को मिलता है। ठीक है, तो अब बात स्टार्ट करते हैं टू वे स्विच की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले ब्रेकर में न्यूट्रल फेज को इन कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे टू वे स्विच की वायरिंग। नीचे वाले टू वे बटन के टर्मिनल को आपस में अटैच कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर वाले दोनों टर्मिनल को आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, L1 को L1 के साथ, L2 को L2 के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद बल्ब से एक वायर लेके ये इस वाले टू वे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से कुछ एक वायर लेके यहाँ पे हमने कनेक्ट कर देनी है दरमियान वाले टर्मिनल में, और एक वायर लेके हमने फेस वाली वायर ब्रेकर से इस वायर टर्मिनल में कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हमने बल्ब से लगा के ब्रेकर में अटैच कर देना है। इस तरीके से हमारी वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी। टू वे स्विच की वायरिंग तो यहाँ तक थी। आगे टू वे स्विच के से जितने भी सर्किट बनते हैं वो भी आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।